सभागार में उपस्थित आप सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। हिंदी पर लिखी इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जो एक दूसरे को प्यार से अपना बनाती है, जो हर धर्म को एक धागे में बांध जाती है, जो देवनागरी में देवों की गाथा सुनाती है, वह हिंदुस्तान की भाषा हिंदी कहलाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री अरविंद जी उपस्थित हैं। श्री अरविंद जी माधुरी और सर्वोत्तम जैसी पत्रिकाओं के प्रथम संपादक रहे हैं। आपने शेक्सपियर के जूलियस सीजर का काव्य अनुवाद किया है, जिसका मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए इब्राहिम अलका जी के निर्देशन में किया गया था। मैं हिंदी के बारे में कोई बोल रही नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में बोलना चाहता हूँ। इसने भारत के नाट्य मंच को एक दफे चोटी पर पहुँचाया है। वो कोई ऐसी संस्था ही कर सकती थी जिसे वो, मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो इसलिए बधाई। मैं अपने हर अनुवाद को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि अनुवाद अनुवाद का आवाज तक देकर हिंदी की मौलिक कृति जैसा लगे। मेरा कोई भी अनुवाद कम से कम 6 या 7 चरणों में पूरा होता है। पूरे जूलियस सीजर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोम के जनमंच पर ब्रूटस और एंटनी की बहस। तो एंटनी के कुछ संवाद मैंने जो तास्तीर किए थे वो तिवारी जी पढ़ेंगे। एंटनी का प्रवेश। दोस्तों, रोमनों, देशवासियों, सुनो मेरी बात। नहीं करना है मुझे सीजर का गुणगान, मैं आया हूँ सीजर को दफनाने। सभी सदगुण दफना दिए जाते हैं आदमी के साथ, अवगुण ही रहते हैं उसके बाद। वह मेरा मित्र था, कसौटी का सच्चा था, न्यायवान था। ब्रूटस का कहना है वह सत्ता का लालची था। ब्रूटस ठहरे आदरणीय, परम आदरणीय। वे कहते हैं सीजर लालची था, सत्ता था। ब्रूटस ठहरे आदरणीय, परम आदरणीय। आप सबने देखा अपनी आंखों, लूपर कल उत्सव में 3 बार दिया था। मैंने मुकुट ठुकरा दिया था 3 बार सीजर ने। क्या यही था उसका सत्ता का लालच? हमारी अगली प्रस्तुति है आरती उतारी और तिलक है किया। लौट कर आओगे जरूर, ये वचन है लिया। उम्र भर इंतजार की कसम उठाई है, फिर ना कहना तुम कि आंख भर आई है। चमकेगी बिंदिया,
मेरा महकेगा। मन का पपीहा देख उनको चहकेगा। मेहंदी का रंग और लाल हुआ जाता है, आदित्य को भी जैसे मलाल हुआ जाता है। बजती पायलियां मेरी उनको रिझाएगी, चूड़ियों की छन छन सरगम सुनाएगी। वो बैठक तक आए और सबसे मिले, अम्मा और बाबूजी के चेहरे खिले। आहट को उनकी तरसती रही, रहा देख देख अखियां बरसती रही। मेरी बदनसीबी फिर घिर आई है, फिर न कहना तुम के आंख भर आई है। हमारी अगली प्रस्तुति है चित्र रूपणी श्याम प्रस्तुति। मैं पुष्पा शर्मा और उनकी मंडली को मंच पर इस नृत्य नाटिका के लिए आमंत्रित करती हूँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मां वृथा। केहे ताहि पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप
जीती है चल। कार्यकारी निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। भारत एक बहुत बड़ा देश, बहुत सी विविधताओं का देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल के किनारों से लेकर गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ देश, जिसमें अनगिनत भाषाएं हैं और जो बार बार कभी किसी का गुलाम, कभी किसी का, और उनकी सबकी भाषाओं का आगमन। जब ही हमारी आज़ादी आई तो ये एक आज़ाद देश के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि हमारी भाषा क्या हो। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और उन्होंने कहा था कि इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। और उनसे पूछा गया कि राष्ट्रभाषा कैसी होगी, ये हिंदी कौन सी होगी, तो उन्होंने एक बहुत सहज सा जवाब दिया था कि मेरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, वो हिंदी होगी जो पंजाब में एक पंजाबी बोलेगा, गुजरात में एक गुजराती बोलेगा और बंगाल में एक बंगाली बोलेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जो हिंदी को देखा वो बहुत व्यापक रूप में देखा। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया, इसीलिए हम आज का दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पर एक आज़ाद भारत में आज जब हम इसको इस तरीके से मनाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ता है कि वाकई क्या वो राजभाषा बन पाई। और जब मैं शब्दों को खुद को ढूंढता हूँ तो बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। पर इस सबके साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इस बात पे खुशी व्यक्त करता हूँ कि हम कहीं ना कहीं मिल के इस तरफ बढ़ रहे हैं और शायद हिंदी को एक राजभाषा बनाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमने हमारे सब नाटक लगभग हिंदी और हिंदुस्तानी में होते हैं, वो हिंदुस्तानी भी वही हिंदी है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। सो मैं आप सबको एक बार दोबारा बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे नतीजे दे और एक रिफाइंड हिंदी की तरफ हम बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।